हेलो बच्चों, कैसे आप सब। हम चल रहे थे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के अंदर। हम प्रिपेरेशन कर रहे थे यूजिंग अल्कोहल। अल्कोहल का यूज करके आप हेलो एल्केन कैसे प्रिपेयर करोगे, ये हमारा चल रहा था। हमने अल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन एसिड से कर ली थी, उसी में एक एग्जांपल और देखते हैं। आपने रिवाइज भी कर लिया होगा तो उसी में एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल में एल्कोहल की रिएक्शन हैलोजन एसिड करके कैसे एल्केन बनाते थे, फिर हम आगे चलेंगे। मैं आपके सामने एक एग्जांपल ये रख रहा हूं। आपके पास ये की मैंने बेंजीन रिंग है, ये यहां पे है CH2OH और यहां पे है OH। इसकी रिएक्शन आपको HCl से करवानी पड़ रही है। तो अब क्वेश्चन ये है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या दोनों के दोनों OH रिएक्शन करेंगे या केवल एक OH रिएक्शन करेगा? करेगा तो कौन सा करेगा, क्वेश्चन ये आपके पास है। तो मैं बता दूं बच्चों, आपका जो एल्कोहल है इसमें से ये वाला और ये वाला, केवल ये OH रिएक्ट करेगा, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा पहले इसी का रीजन देख लो, क्योंकि यहां पे इस ऑक्सीजन पे होते हैं लोन पेयर और ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है और आपने प्लस वन में पढ़ रखा है। और मैं यहां पे भी बता देता हूं, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जिसके पास लोन पेयर है तो वो बेंजीन रिंग के साथ क्या शो करेगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस के बाद यहां पे कैसा करेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर। कैसा आ जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर। और डबल बॉन्ड करेक्टर आने के बाद ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो डिसोसिएट नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा तो यहां से OH नेगेटिव नहीं निकल सकता और उसकी जगह आप क्या नहीं जोड़ सकते, Cl नेगेटिव नहीं जोड़ सकते। आप एनहाइड्रस ZnCl2 भी डाल लोगे तब भी रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए हम यहां पे तो नहीं जोड़ सकते। तो फिर कहां पे जोड़ेंगे, इस OH के साथ जुड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर हम यहां पे जोड़ पाते तो इस OH को निकाल के Cl अगर यहां पे जुड़ता तो एक बार देखना जरा सीन क्या बनता। तो आपका सीन ये बन जाता, यहां पे BCl, ये दोनों OH किससे रिप्लेस हो जाते, दो Cl। तब आपका ये प्रोडक्ट देखो हेलो एल्केन नहीं बनता, ये क्या बन जाता, हेलो एरिन बन जाता। क्यों, क्योंकि जब बेंजीन के साथ डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो मैं आपको बता चुका हूं उसे हम क्या नाम देते हैं, हेलो एरिन। तो ये हेलो एरिन बन जाता। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी आपके सिलेबस में है, जैसे आपने एल्कोहल का यूज करके हेलो एल्केन बनाए हैं, क्या उसी तरीके से बेंजीन रिंग के ऊपर OH जुड़ा हुआ ऐसा कंपाउंड लेके क्या हम उससे हेलो एरिन बना सकते हैं? नहीं बना सकते बेटा। क्यों नहीं बना सकते, जैसे हम एल्कोहल सिंपल एल्कोहल लेते हैं ROH, इसकी रिएक्शन हमने हैलोजन एसिड से करवा के ये H और ये OH H2O निकल गया, Cl यहां पे जुड़ गया, RCl हेलो एल्केन बन गया। हमारी यूनिट का नाम क्या था, हेलो एल्केन, और दूसरा क्या था, हेलो एरिन। जब आप हेलो एरिन की प्रिपेरेशन करोगे ना तब आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपने एल्कोहल का यूज करके हेलो एल्केन बना था तो एल्कोहल तो होते हैं जब सिंपल कार्बन चेन में OH, अगर बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा हुआ हो तो इन्हें हम क्या नाम देते हैं, फिनोल। तो आपसे क्वेश्चन ये आएगा, क्या आप फिनोल के ऊपर हैलोजन एसिड डाल के हेलो एरिन बना सकते हो? हेलो एरिन मतलब ये OH और ये H निकल जाए और ये हेलोजन यहां पे जुड़ जाए, ऐसा पॉसिबल है? आपसे क्वेश्चन आएगा, आप एल्कोहल का यूज करके हेलो एल्केन बना सकते हो तो क्या फिनोल का यूज करके हेलो एरिन? नहीं बना सकते बेटा। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इस के ऑक्सीजन पे लोन पे ना, वो लोन पे यहां पे आके कैसा बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड आने के बाद ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, नॉट डिसोसिएट, टूटेगा नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी तो आप क्या नहीं बना सकते, हेलो एरिन नहीं बना सकते। इसलिए क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हो, जैसे हम एल्कोहल का यूज करके हेलो एल्केन बना सकते हैं, क्या फिनोल का यूज करके हेलो एरिन बना सकते हैं, कैन वी फॉर्म हेलो एरिन यूजिंग फिनोल लाइक एल्कोहल, क्या एल्कोहल से हम जैसे हेलो एल्केन बनाते हैं वैसे फिनोल का यूज करके हेलो एरिन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों, बिकॉज इट शोज रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग एक्वायर डबल बॉन्ड कनेक्टर बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन, सो वी कैन नॉट प्रिपेयर। तो इसलिए सेम यही एग्जाम्पल मैंने इसीलिए आपके सामने रखा है।
तो अब आपका ये बताओ कौन सा OH पार्टिसिपेट करेगा, ये तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, ये OH पार्टिसिपेट करेगा, यहां पे OH एज इट इज रहेगा, एक ही HCl, ये OH और ये H क्या निकल जाएगा H2Cl यहां पे जुड़ेगा। इसलिए ऐसा क्वेश्चन आए तो सोच समझ के आंसर देना हो जाएगा भाई। तो ये आपका एक एक्सेप्शनल केस था जो आपका आ सकता है। अब आ जाओ तो हमने एल्कोहल की रिएक्शन हैलोजन एसिड से की और आपका क्या प्रिपेयर कर लिए हैलोएल्केन। अब हमारे पास आगे है एल्कोहल की रिएक्शन, मैंने दूसरी क्या बताई थी लास्ट वीडियो में बताया था आप एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करोगे, फास्फोरस के हैलाइड, कौन कौन सा PCl3। सॉरी हम ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पीछे वाले नहीं देखते हैं, हैलोजन एसिड हमने कर रहे थे तो उसी को दोबारा से देखते हैं, क्वेश्चन हो रहा है। हमने क्या किया था एल्कोहल के साथ रिएक्शन की थी किसकी, हैलोजन एसिड की, हैलोजन एसिड में HCl ले सकते हो, HBr भी ले सकते हो, एल्कोहल की रिएक्शन में आप क्या ले सकते हो HI ले सकते हो। अब क्वेश्चन ये बन गया HBr और HI जो है ये कभी लैब में नहीं मिलते आपको, इनको आप क्या करोगे अगर आज आपको जरूरत हो तो हमें हाथों हाथ प्रिपेयर करना होता है, इन सीटू प्रिपेयर करना होता है HBr और HI को। इन सीटू प्रिपेयर करते कैसे हैं, एक प्रिपेयर करने का तरीका बताता हूं, देखो कैसे प्रिपेयर करते हैं। हम क्या करते हैं NaBr ले लेते हैं और उस NaBr की रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं H2SO4 के साथ। जैसे ही करवाओगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से एच इस ब्रोमीन को ले लेंगे, ये दो लेने पड़ेंगे, दो एच दो ब्रोमीन को लेकर क्या बना देंगे HBr, और ये दोनों सोडियम यहां पे क्या बन जाएगा Na2SO4। देखो बन गया है नहीं बन गया आपका HBr। अब आप इसको यूज कर सकते हो, इसी तरीके से अगर मुझे HI यूज करना तो कैसे बनाऊंगा, तो आपसे क्वेश्चन ये आता है क्या आप NaI लेके उसकी रिएक्शन H2SO4 से करवा के, जैसे इसमें H2SO4 से करवाई थी इसमें भी H2SO4, इसमें हम H2SO4 नहीं ले सकते, यहां पे NaI की जगह आप KI ले सकते हो, ये बदल सकते हो, लेकिन H2SO4 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, अगर हमने H2SO4 लिया तो इसमें देखो क्या बन जाएगा, H2SO4 लेंगे तो क्या होगा, ये दो लेके ये जो आयोडीन है इस H को लेके HI बनाए तो जरूर का, सोडियम सल्फेट को लेकर क्या बनाएगा Na2SO4, ये भी सही है, आपका HI बन जाएगा, लेकिन जैसे ही HI बनेगा ये HI आगे चलकर I2 में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि H2SO4 आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और HI हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब एक रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन कर जाते हैं तो आगे कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रिड्यूसिंग एजेंट दोनों रिएक्शन कर लेंगे और आपका क्या बन जाएगा I2 प्रिपेयर हो जाएगा। तो I2 बनने के बाद हम क्या है, हमें चाहिए क्या था HI, तो आप क्या नहीं बना सकते HI नहीं बना सकते, इसलिए हम इस H2SO4 की जगह पे क्या लेते हैं, आप NaI लो या फिर KI लो, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं H3PO4 के साथ करवाते हैं, H3PO4 के साथ करवाते हैं। H3PO4 के साथ करवा के क्या हो जाएगा, ये कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये जो सोडियम है ये हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा, और हाइड्रोजन किसकी जगह पे, तो आपको ये तीन लेने पड़ेंगे, तीनों सोडियम तीनों हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएंगे और आपका इजीली क्या बन जाएगा HI बन सकता है। तो हम इससे क्या बना सकते हैं HI बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या प्रिपेयर करोगे HI का प्रिपेयर करोगे किसके लिए, अगर आपको यहां पे हैलोजन एसिड में रिक्वायरमेंट है तब, ठीक है। तो हम बाकी देखेंगे आगे, हम नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है बच्चों हैलोजन एसिड की एल्कोहल की रिएक्शन आपको किसके साथ करवानी है फास्फोरस हैलाइड। अभी अभी हमने की थी हैलोजन एसिड के साथ क्या प्रिपेयर करने के लिए हैलोएल्केन, अब हम करवाएंगे हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड में पहले ही बता देता हूं बच्चों आपको PCl3 लैब में मिल जाएगा, PCl5 भी लैब में मिल जाएगा, लेकिन PBr3 और PI3 नहीं मिलते हैं, इसलिए इनको भी हमें जैसे हमने HBr और HI को इन सीटू प्रिपेयर किया था, इन सीटू का मतलब होता है हाथों हाथ हमें रिक्वायरमेंट हो तभी प्रिपेयर कर लेना, हम PBr3 और PI3 को भी प्रिपेयर करेंगे, लेकिन कैसे फास्फोरस की रिएक्शन हम डायरेक्ट Br2 से करवा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा PBr3, इसी तरीके से फास्फोरस की रिएक्शन हम डायरेक्ट किससे करवा देंगे I2 से तो आपका क्या बन जाएगा
Pi3 बन जाएगा। तो ये आपको डायरेक्ट रिएक्शन करवानी है, ये आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इनकी रिएक्शन एल्कोहल से करवाने पर कैसे हेलो एल्केन बनता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक बार कैसे हेलो एल्केन बनता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया यही CH3OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमें कौन सा भी ले लो, PCl3 ले लो, PbR3, ये तीनों सेम तरीके से रिएक्शन करेंगे, ये थोड़ा सा अलग करेगा। तो मैंने ले लिया PCl3, ये तीन क्लोरीन इसको जुड़े हुए, ये जोड़ दिए, ठीक है। यहां पे ये OH आपका है, हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, बहुत इजी हमारे लिए प्रिपेयर करना, तो मैं साथ साथ विद मैकेनिज्म ही बता रहा हूं। इसके पास ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर के साथ इस फॉस्फोरस पे अटैक करेगा। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, जब ये अटैक करेगा इसके ऊपर, तो अटैक करते ही इस फॉस्फोरस के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, तो फॉस्फोरस का एक बॉन्ड बढ़ जाएगा। जैसे ही एक बॉन्ड बढ़ेगा तो हमें यहां से किसको निकालना पड़ेगा, सीएल को निकालना पड़ेगा एक को। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही एक बॉन्ड बढ़ेगा, क्योंकि चार बॉन्ड हो जाएंगे, तो हम इसको इसके साथ दे देते हैं, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन निकल जाएगा, तो इसके फास्फोरस के वापस कितने हो जाएंगे, तीन रह जाएंगे। क्या बन जाएगा आपका, देखो एक मिनट के लिए, CH3O, O के साथ कौन जुड़ा हुआ है, H, ये मैं नीचे की तरफ जोड़ दिया। इस ऑक्सीजन ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, फॉस्फोरस के साथ, फॉस्फोरस के साथ दो क्लोरीन है और एक क्या है, क्लोरीन नेगेटिव, यही हो गया। अब आपका क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां पे इस ऑक्सीजन के तीन बॉन्ड हो गए हैं, इसने अपना लोन पेयर दिया था। तो क्या करेगा, यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज को एकोमोडेट नहीं कर सकता, तो ऑक्सीजन क्या करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेगा, तो इसका लोन पेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड इस कार्बन का कम हो जाएगा, ये कार्बन क्या करेगा, इस सीएल नेगेटिव को जोड़ लेगा। नेगेटिव को क्यों जोड़ा, एक मिनट देखते हैं क्या सीन है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, तो यहां पे पॉजिटिव खत्म, पॉजिटिव किस पे आ जाएगा, इस कार्बन पे आएगा। ये पॉजिटिव के साथ किसको जोड़ लेगा, अपने साथ इस नेगेटिव को, यहां पे दिखाना नहीं होता। तो क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, CH3Cl के साथ जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा, CH3Cl। फास्फोरस के साथ देखो क्या जुड़ गया, दो दो जुड़ गए Cl, और एक क्या जुड़ गया, ये OH, ये देखो आपका हेलो एल्केन बन गया, नहीं बन गया। इस तरीके से एक एक करके आप इन तीनों क्लोरीन को चेंज कर सकते हो, किसके द्वारा, एल्कोहल का OH यूज करके। ये होता है इसका मैकेनिज्म। इसलिए वह डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, हमारे सिलेबस में इतना ज्यादा इंक्लूडेड नहीं है, हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। ये इसकी रिएक्शन मुझे किसके साथ करवानी है, PCl3 के साथ। अब प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, कितने क्लोरीन है यहां पे, तीन, यहां पे OH कितने हैं, तीन, इसलिए मुझे ये कितने लेने पड़ेंगे, तीन। तीनों OH तो तीनों क्लोरीन की जगह पे लगा दो, तीनों क्लोरीन को तीनों OH की जगह पे, देखो क्या बन गया, CH3, ये तीन, ये तीनों क्लोरीन, देखो ये तीन, ये क्लोरीन तीन है, ये रहा इसके लिए, और तीनों OH यहां पे क्या बन जाएगा, पी के साथ तीन OH जुड़ जाएंगे, जिसको आप सोल्टली कैसे लिख सकते हो, H3PO3, हो गया ना। आप एक एक करके इस मैकेनिज्म से भी इनको रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन आपको मेन है ये वाला, ये आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ये बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे PBr3 लेकर यहाँ पे ब्रोमीन का हेलो एल्केन बन जाएगा, Pi3 लोगे तो यहाँ पे किसका बन जाएगा, आयोडीन का हेलो एल्केन बन जाएगा। तो आप चाहे PCl3 से रिएक्शन करवा दो, PBr3 से करवा दो, या Pi3 से करवा दो। रही बात इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री हम करेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, एक बार जैसे हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो वो आता है IIT और NEET लेवल में, तो मैं उनकी अलग से वीडियो डालूंगा, क्योंकि इस यूनिट के मिडल में हमारे स्टीरियो केमिस्ट्री आएगी, तब मैं आपको बताऊंगा स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, तब जाके हमें इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री समझ आएगी, तो वो मैं आपको बताऊंगा सबसे लास्ट में इस वीडियो के, जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होगा तो लास्ट में अलग से वीडियो इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री की हम एक वीडियो डालेंगे, ठीक है। ये आपके पास था PCl3, PBr3 और किसके साथ रिएक्शन, Pi3। अब हम किसके साथ और देखते हैं, PCl5, कर दो साफ इसको, तो देख लेते हैं PCl5 के साथ और करवा लेते हैं, एक एल्कोहल और ले लेते हैं,
उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे BCl5 के साथ। तो मैंने एक और एल्को ले लिया CH3CH2OH। अब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं? PCl5 के साथ। अब ये PCl5 के साथ कैसे होगी ये देखते हैं एक बार। PCl5 के साथ, इस PCl5 के साथ पांच क्लोरीन जुड़े हुए हैं, इन पांचों क्लोरीन को मैं अलग अलग जोड़ लेता हूं। ये मैंने जोड़ लिया, यही होगा। फॉस्फोरस के कितने बॉन्ड है यहां पे? पांच बॉन्ड है। अगर ये पांच बॉन्ड है तो आपका क्या बनेगा देखते जाओ जरा। जनरली तो हम क्या लिखते हैं, ये एक हाइड्रोजन इस एक क्लोरीन को ले लेता है, क्या बन जाएगा? HCl। ये पार्ट जो आपका है ये एक और क्लोरीन को ले लेता है, आपका हेलो एल्केन बना लेता है, CH3CH2Cl बन गया। अब क्या रह गया? फॉस्फोरस के साथ तीन क्लोरीन। तो फॉस्फोरस के कितने बॉन्ड हो गए? एक दो तीन, क्योंकि दो क्लोरीन तो जा चुके हैं। अब दो बॉन्ड और बनाने हैं, तो ये दोनों बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनेगा? फॉस्फोरस तीन बॉन्ड तो बनाएगा क्लोरीन के साथ, और दो बॉन्ड किसके साथ? ऑक्सीजन। देखो फॉस्फोरस के वापिस पांच हो गए। एक बार इसका छोटा सा मैकेनिज्म देखते हैं, ये रिएक्शन हुई कैसे। देखो एक बार, ये मैंने लिया था CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन मैंने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कर दी। तो ये अपने लोन पेयर के साथ इसके साथ अटैक करेगा। पीछे वाला भी अभी देखा था, PCl3 से किया था तो उसमें भी ऐसे अटैक, तो इस फॉस्फोरस का एक बॉन्ड बढ़ जाएगा। तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन ले लेगा दोनों को। हो गया, क्लोरीन ने क्यों लिया? एक बार सीन देखो जरा, क्या बताइए क्या हो गया? Cl नेगेटिव बन गया, यही हो गया। अब जैसे ये लेगा तो क्या बन गया? CH3CH2 यहां पे O के साथ जो S था वो मैंने नीचे के साथ जोड़ दिया। अब इस ऑक्सीजन ने इस फॉस्फोरस से बॉन्ड बना लिया। ये देखो चार क्लोरीन रह गए। चार क्यों रहे? क्योंकि फॉस्फोरस के हमें चाहिए थे पांच बॉन्ड, पांच ऑलरेडी है क्योंकि एक बॉन्ड ऑक्सीजन ने बनाया। ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया तो ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, इसलिए हमने यहां से क्लोरीन नेगेटिव निकाल दिया। अब क्या होगा? अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन ले लेगा। क्यों लिए? अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए। तो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे तो इसका पॉजिटिव खत्म, पॉजिटिव एच पे आ जाएगा। ये एच पॉजिटिव इस क्लोरीन नेगेटिव से जुड़ जाएगा। जैसे ये H पॉजिटिव इस क्लोरीन नेगेटिव से जुड़ेगा तो क्या बन गया? HCl। देखो हमारा बना था HCl, एक प्रोडक्ट आपका तैयार हो गया। और क्या रह जाएगा पीछे? देखो जरा क्या बच गया आपका, जो बचता उसको लिख दो CH3CH2। उसके बाद O के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहा, O ने किसके साथ बॉन्ड बना रखा? फॉस्फोरस के साथ। और कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? फॉस्फोरस के साथ चार। हो गया। अब फिर से हमें क्या करना है? अब फाइनली हमें ये करना है दोनों के बीच में डबल बॉन्ड ये बनाना। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे जाके डबल बॉन्ड बना लेंगे। जैसे ही डबल बनाएंगे तो डबल बनते हैं यहां पे, एक बार इमेजिन करके देखो, फास्फोरस के पांच बॉन्ड हो जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेगा? ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। जैसे ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इस क्लोरीन में कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और इस पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। ये वाला नेगेटिव किसके साथ जुड़ जाएगा? इसके साथ। और ये बॉन्ड यहां से टूट ही चुका, क्या बन जाएगा जरा देखो एक बार सीन क्या है। CH3CH2, इस CH2 के साथ कौन जुड़ गया? Cl बन गया ना हमारा ये प्रोडक्ट। और ये फॉस्फोरस के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या बन गया? फॉस्फोरस के साथ दो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और तीन क्या जुड़ गया? क्लोरीन। देखो हमारा एक ये प्रोडक्ट था ये बन गया, एक ये प्रोडक्ट था ये बन गया, एक HCl था ये। हाँ तो बच्चों हमारा ये हो गया है, हमने क्या किया? एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको पहले भी बता चुका हूं, लास्ट एक वीडियो डालेंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है ये आपने प्लस वन में भी नहीं पढ़ाया, तो इसलिए हम इस चैप्टर के मिडल में आएगी तब आपको बताऊंगा स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। तो हमने ये प्रिपेयर किया फॉस्फोरस हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहल से करवा के, क्या प्रिपेयर कर दिया? हेलो एल्केन। अब एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस हैलाइड के साथ हो चुकी है, हैलोजन एसिड के साथ भी हो चुकी है। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है, अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से करवाएं, एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 जिसको मैंने नाम दिया था थायोनिल क्लोराइड। अब क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं यहां पे भी। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, हम SOCl2 से ही क्यों करवाते हैं? SOBr2 से क्यों नहीं करवाते? SOI2 से क्यों नहीं करवाते? बेटा ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ये बनते ही नहीं है। अगर ये बनते ही नहीं है तो हम क्या नहीं कर सकते इनको?
प्रिपेयर भी नहीं कर सकते, इनको प्रिपेयर नहीं कर सकते हम, इनको यूज भी नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इनको यूज नहीं करते हैं। केवल और केवल किसको यूज करते हैं? SOCl2 को। इसलिए SOCl2 को नाम देते हैं थायोनिल क्लोराइड। तो हमें अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से करवानी है और क्या प्रिपेयर करना है? हैलोजन के। तो एक बार देखते हैं जरा SOCl2 से कैसे होगी। मैंने एक अल्कोहल लिया, ये CH3OH। आप क्या करोगे, SOCl2 का कुछ इस टाइप का फॉर्मूला होता है, एस डबल बॉन्ड ओ सीएल ओ सी एल। पहले मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बता देता हूं, फिर इसका मैकेनिज्म देखेंगे। डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, SO जो ये है ये इस ऑक्सीजन को लेके SO2 गैस बना लेता है। ये जो H है एक, ये Cl को लेकर क्या बना लेता है? HCl बना लेता है। ये दोनों गैसेज हैं, इजिली इजिली इस बीकर में से निकल जाएंगे जिसमें ये रिएक्शन हो रही है। तो क्या बच गया आपका? CH3 और एक ये Cl। ये दोनों जुड़कर आपका मेन प्रोडक्ट बनाएंगे CH3Cl, जिसे हम क्या नाम देते हैं? हेलो एल्केन। यानी कि हम बार बार बता रहा हूं, हमारा टारगेट है हेलो एल्केन बनाना, हेलोजन जोड़ना किसी भी कार्बन चेन में। ये हमारा प्रिपेयर हो गया हेलो एल्केन। अब एक बार इसका मैकेनिज्म से देखते हैं कैसे क्या किया। वैसे इसका नाम होता है, इस मेथड का जिस मेथड से हमने बनाया है, डार्जन्स मेथड बोलते हैं हम इसको, डार्जन्स मेथड। और एक और क्वेश्चन बनता है, आपने अल्कोहल का यूज करके हेलो एल्केन तीन टाइप से बनाया। एक बार हमने क्या यूज किया था? हेलोजन एसिड जोड़ा था, किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर। एक बार हमने क्या जोड़ा, अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्या, अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस हैलाइड के साथ की थी, और अब हम कर रहे हैं थायोनिल क्लोराइड। इन तीनों में से ये पूछ रहा है, अगर आपके पास अल्कोहल है और ये तीनों मेथड है तो आप कौन सा लगाओगे हेलो एल्केन बनाने के लिए? तो हम लगाएंगे बेटा डार्जन्स मेथड, ये वाला मेथड। तो ये वाला बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर हेलो एल्केन यूजिंग अल्कोहल। अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए ये वाला बेस्ट मेथड है डार्जन्स मेथड। क्यों है बेस्ट मेथड? क्योंकि इसके जो ये साइड प्रोडक्ट है दोनों, ये दोनों गैसियस है, ये इजीली बीकर से निकल जाएंगे और आपका केवल प्रोडक्ट बच जाएगा हेलो एल्केन। और इन दोनों मेथड में ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये बेस्ट मेथड क्यों है, तब आप ये बताओगे। अब एक बार इसका मैकेनिज्म देखते हैं जस्ट छोटा सा ही, फिर हम देखेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आपने वही ले लिया CH3OH, ये लिया। इसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर। जहां पे ऑक्सीजन के दो बॉन्ड होंगे दो ही लोन पेयर होते हैं। अब मैं क्या करूंगा, SOCl2 है ये, मैंने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इस लोन पेयर का अटैक इस सल्फर पे, जब सल्फर पे अटैक करेंगे तो ये सल्फर के साथ जुड़ेगा, तो सल्फर का एक बॉन्ड बट जाएगा, बॉन्ड बटा नहीं सकते, तो साथ के साथ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, इस पे। तो क्या बनेगा सीन, जरा एक बार देखते हैं। CH3O के साथ क्या है? H। इसने अपना लोन पेयर दे दिया और सल्फर के साथ बॉन्ड बना लिया, और सल्फर के साथ जो ऑक्सीजन था उसने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। यहां पे भी क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहां पे भी क्लोरीन, लेकिन इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि यहां पे इसने अपना क्या किया था, लोन पेयर डोनेट किया था। दूसरी तरफ से क्या करते हैं अब इसमें देखो, अब मैं बनाना क्या, ऊपर प्रोडक्ट में देखो HCl कैसे बनेगा। ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, खींचेगा तो इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, खत्म। पॉजिटिव किस पे आ जाएगा? इस H पे। लेकिन जैसे ही इस H पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, Cl नेगेटिव को भी लेगा ताकि क्या बना सके, HCl बना सके। तो कैसे लेगा, हम इस नेगेटिव चार्ज को यहां पे रख देते हैं, तो इसके बीच में कैसा बॉन्ड हो जाएगा, डबल, एक बॉन्ड वापिस सल्फर का बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो साथ साथ हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको ले लेते हैं। एक बार देखो एक एक चीज करके हमने क्या किया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे लेके गए, ये बन गया H पॉजिटिव, ये बन गया Cl नेगेटिव, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, HCl। अब जो बचता वो एक एक धीरे धीरे लिखो, CH3 यहां पे क्या बच गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पॉजिटिव खत्म, ये आ गए। इसने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, सल्फर, सल्फर के साथ आगे क्या जुड़ा हुआ, Cl, और ऊपर से ये डबल बॉन्ड वापिस पूरा हो गया। देखो सल्फर के अब भी चार बॉन्ड है, तो चार ही होने चाहिए थे। मैंने क्या किया है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इस नेगेटिव चार्ज में जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो वापिस ले लिए, वापिस डबल बॉन्ड कर लिया। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे ले लिए तो क्लोरीन पे नेगेटिव, ये बॉन्ड टूट गया। ये नेगेटिव होने के बाद इस H पॉजिटिव से जुड़ के क्या बन गया, HCl, ये बन गया। अब हमारा लास्ट केस क्या बनता है, लास्ट केस ये बनता है
अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे क्योंकि हमें क्या बनाना है SO2। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, तो हम यहां पे सल्फर के ये बॉन्ड डबल हो जाएगा, डबल होते ही सल्फर के कितने बॉन्ड हो जाएंगे पांच जो कि पॉसिबल नहीं, इसलिए हम इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे यहां पे स्लाइटली पॉजिटिव दिखा दो एक बार समझने के लिए, यहां पे नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव किसके साथ जुड़ जाएगा इस CH3 के साथ, क्या बन जाएगा जरा देखो CH3Cl जुड़ गया और ये क्या कंप्लीट हो गया आपका SO2 आपका हेलो एल्केन। देखो हमने ये मैकेनिज्म किया और ये हमने डायरेक्ट किया था, आप डायरेक्ट याद करो मैकेनिज्म से थोड़ा आपको इजी हो जाएगा, ये बन गया हमारा हेलो एल्केन। अब क्वेश्चन ये है इस रिएक्शन में रिटेंशन होती है, क्या मतलब अभी रिटेंशन का, तभी तो कह रहा हूं ये होती है स्टीरियो केमिस्ट्री से पता चलेगा, ये हमें आगे चलकर पता चलेगा रिटेंशन क्या होती है। रिटेंशन का वैसे मतलब ये होता है जो कॉन्फिगरेशन इस रिएक्टेंट की थी वही कॉन्फ़िगरेशन इस प्रोडक्ट की है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम जब होती है, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम होती है तो उसे बोलते हैं अभी रिटेंशन। लेकिन मैंने इस रिएक्शन में देखो कहीं पे कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं किया है, कहीं पे भी कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं किया इसलिए रिटेंशन हुआ, जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट की है वैसे ही प्रोडक्ट की है तो इसलिए इसे बोलते हैं रिटेंशन। ये आपके पास था, आप एक बार जरा फिर से देखोगे यहां से आने के बाद इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए तो इसका पॉजिटिव खत्म, आप इसको बढ़ा सकते हो अगर कम से उनमें आ तो कैसे बढ़ा सकते हो, देखो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आप इनको ट्रांसफर मत करो एक मिनट के लिए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे तो ये एच पॉजिटिव बन के निकल गया, यहां पे क्या रह गया सी एस थ्री, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जस्ट बाद क्या सल्फर, सल्फर के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है नेगेटिव, ये सीएल और ये सीएल, यही हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे लेता हूं, यहां पे लोगे तो कैसा बॉन्ड हो जाएगा डबल, यहां पे डबल होते ही तो सल्फर के दो तीन चार पांच बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए मैं इस बॉन्ड को अब भी निकालना पड़ेगा तो इस पे क्या आ जाएगा सीएल नेगेटिव, ये सीएल नेगेटिव इस एच पॉजिटिव के साथ जुड़कर क्या बना लेगा एचसीएल, तो क्या रह गया अब आपका सी एस थ्री, ये ओ, फिर सल्फर, सल्फर के साथ जो ये ऑक्सीजन था डबल बॉन्डेड और यहां पर क्या हो गया सीएल। अब आपका यही देखो ये बन गया या नहीं बन गया वापिस, और फिर ये वापिस यही, तो आप एक स्टेप बढ़ा के भी कर सकते हो या डायरेक्ट जो मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो, लेकिन इस रिएक्शन में आप कैटलिस्ट यूज कर सकते हो, कौन सा कैटलिस्ट कोई भी बेस, कौन सा बेस डालते हैं या तो आप पिरिडीन ले लोगे, अगर पिरिडीन नहीं ले सकते तो एक R3N ले सकते हो, ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, अगर आपने ये कैटलिस्ट डाल दिए तो रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी और फास्ट होगी तो इसमें रिटेंशन नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा इसमें होगा इन्वर्जन। अब ये क्या एक नई कहानी है इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब मैं फिर से कह रहा हूं इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री आपको इस चैप्टर के मिडल में समझ में आएगी। वैसे इन्वर्जन होता क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्फिगरेशन सेम नहीं होगी अपोजिट होगी, अपोजिट का मतलब होता है इन्वर्जन, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो अपोजिट। अब ये क्वेश्चन ये बनता है पिरिडीन और डालने से या ये कैटलिस्ट डालने से रिएक्शन फास्ट क्यों होगी, क्योंकि जैसे ही ये बेस डालोगे ये बेस इस HCl एसिड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे तो रिएक्शन आपकी कैसी हो जाएगी फास्ट हो जाएगी। ये थे हमारे अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड, इनमें आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट करके या डायरेक्ट मेरे साथ कॉन्टेक्ट करके आप इनकी प्रॉब्लम ले सकते हो, उन प्रॉब्लम्स के हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे, ठीक है। अब आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, आपको मेरे इसी चैनल पे फिजिक्स की वीडियो भी मिलेंगी, धीरे धीरे हम सभी टाइप की वीडियोस डाल रहे हैं, अभी हमने प्लस टू की वीडियो डालनी स्टार्ट की है। थैंक यू।